सरफेस लेंगे कितने किरण कार्बन होंगे और उसकी उपस्थिति के आधार पे कितने प्रकार का यहाँ पे उसमें समानता देखने को मिल सकती है, तो वो पूरी आइसोमेरिज्म का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे इसमें। तो एग्जाम्पल्स लेंगे, देखिए क्या होता था, जब एक जो मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, सॉरी जो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किस प्रकार के उदाहरण लेना है जो कि प्रकाशीय समावयी होंगे, है ना। तो जिनके पास स्टीरियोजेनिक केंद्र होगा, ये चीज तो हम लोग सीख चुके हैं, जिनके पास स्टीरियोजेनिक केंद्र होगा ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं किसी भिन्न भिन्न समूहों से पूरी हो रही हो, तो उस स्थिति में वो क्या होता है, प्रकाशीय समावयी को निर्मित करता है और प्रकाश के प्रति अपने वो कारण ये क्या है, घूम जाता है, या तो घड़ी की दिशा में घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है। तो उसके कारण से इसके दो समूह समावयी मिलते हैं, एक डेक्स्ट्रो मिलता है घड़ी की दिशा में घूमने पर, और एक घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने पर लीवो समावयी प्राप्त होता है। तो इस सेंटर को हम लोग क्या कहते थे, स्टीरियोजेनिक केंद्र। अब कभी कभी मॉलिक्यूल में एक स्टीरियोजेनिक केंद्र होता है, कभी एक से ज्यादा भी प्राप्त होते हैं, तो हमको उदाहरण लेने पड़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वन मॉलिक्यूल विद वन स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक सममितता का केंद्र उपस्थित हो, तो हम ऐसे उदाहरण को यहाँ पे स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कितने प्रकार के आइसोमेरिज्म यहाँ पे उपस्थित हो रही है। तो पहला हमने एग्जाम्पल लिया लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है, मैंने तीन चार एग्जाम्पल्स आपको पहले भी दे चुके हैं, तो मैं एक उदाहरण आपको लेकर के समझा रही हूँ। सी डबल ओ है, ये कार्बन की एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो रही है, एक OH से पूरी हो रही है, और ये चौथी जो संयोजकता है वो CH3 से पूरी हो रही है। ये यहाँ पे क्या है, एक एक मान लीजिए ये पूरी बैलेंसी A मान लिया हमने, फिर इसको B मान रहे हैं, इसको C मान रहे हैं, और ये D, तो देख रहे हैं तो यहाँ पे सभी क्या है, चार भिन्न भिन्न संयोजकता है, इस कारण से ये एक स्टीरियोजेनिक केंद्र वाला उदाहरण हमारे पास उपस्थित हो गया, एक स्टीरियोजेनिक केंद्र, इसमें एक ही स्टीरियोजेनिक केंद्र है। तो अब इसमें जब प्रकाश से पड़ेगा तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूल को रोटेट करेगा, एच से OH की तरह मॉलिक्यूल घूम जाता है, एच से OH की तरह मॉलिक्यूल घूम जाता है, तो ये घड़ी की दिशा का घूमना है ना, तो ये इसको बोलेंगे डी लैक्टिक एसिड, इसको लैक्टिक अम्ल बोलेंगे, और कौन सा लैक्टिक अम्ल है, डी लैक्टिक अम्ल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी लैक्टिक अम्ल। और जब इसके सामने दर्पण रखेंगे, इस तरह से दर्पण रख देंगे, तो दर्पण में रखने पर, मिरर को रखने पर इसका दर्पण प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो उसका क्या होगा, एल लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बनाएगा, सी डबल ओ एच, ऊपर की संयोजकता समान रहेंगी, नीचे की संयोजकता में यहाँ पे देखिए एच इस दिशा में आ जाएगा और ओ एच इस दिशा में चला जाएगा, यहाँ पे सी एच थ्री मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाला एच से ओ एच की तरफ रोटेशन करेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, मतलब ये क्या होगा, एल लैक्टिक एसिड होगा, इसको हम लीवो लैक्टिक एसिड या एल लैक्टिक एसिड बोलेंगे, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। कभी कभी किताबों में माइनस लैक्टिक एसिड भी लिखा रहता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, दोनों एक ही नाम, यहाँ पे प्लस लैक्टिक एसिड बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। और जो रोटेशन की वैल्यू होती है वो भी लिखी रहती है कि रोटेशन की वैल्यू प्लस 93 डिग्री, जितने एंगल से रोटेट करते हैं तो वो वैल्यूज भी लिखी रहती है, तो आप उसको समझ जाएंगे। तो ये इसका डी लैक्टिक एसिड का आइसोमेरिज्म आइसोमर हो गया और ये एल लैक्टिक एसिड का आइसोमर प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला मिलेंगे, दो समावयी मिलेंगे, एक डी लैक्टिक एसिड और एक एल लैक्टिक एसिड। तो इस प्रकार से इसमें जो लैक्टिक अम्ल हो गया ये दो रूपों में पाया जाता है। ये किसका उदाहरण था, वन स्टीरियोजेनिक केंद्र का, एक स्टीरियोजेनिक केंद्र का। अब एक से ज्यादा स्टीरियोजेनिक, मान लीजिए टू की बात करते हैं, टू स्टीरियोजेनिक केंद्र में उदाहरण लेकर के हम लोग स्टडी करेंगे। टू स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले उदाहरण में क्या है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होगा, रोटेट होगा, प्लेन पोलराइज लाइट इसको एच से वच की तरफ घुमाएंगे, तो देखिए कौन सी दिशा में घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, घड़ी कैसे घूमती है, तो ये क्या होगा, ये सिक्स था तो सिक्स से नाइन गया, फिर ये ट्वेल्व है, फिर ये थ्री है, तो ऐसे क्या क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज अगर वो घूमता है तो उसको हम लोग डी वर्ड बोलते हैं, डी या डेक्स्ट्रो या फिर प्लस साइन से शो करते हैं, तो लैक्टिक एसिड ही है लेकिन उसका समावयी का नाम हो जाएगा डी लैक्टिक एसिड, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने वाले समावयी को बोलेंगे एल लैक्टिक एसिड या डी वो लैक्टिक एसिड या माइनस लैक्टिक एसिड। अब जब टू स्टीरियोजेनिक केंद्र की बात होगी तो हमको ऐसे मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा जिसमें दो कम
कम से कम दो स्टीरियो यानी फ्रेम रहो, कम से कम दो। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C OH, इसमें एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, ये भी C OH ही होता है। यहाँ पे एक संयोजक का OH से पूरी होगी H OH, और ये H, ये टार्टेरिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया। इसको बोलेंगे टार्टेरिक अम्ल, ये टार्टेरिक अम्ल हो गया। अब इसमें देख रहे होंगे आप लोग, एक ये स्टीरियोजेनिक केंद्र दिख रहा है और एक ये स्टीरियोजेनिक, एक संयोजकता अलग हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी अगर पूरी मान लिया जाए तो ये वाला कार्बन क्या होगा, एक स्टीरियोजेनिक केंद्र होगा। फिर अगर इसके पर्पज में इसको हम लोग देखते हैं, ये एक संयोजकता, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी वाली, ये पूरी एक संयोजकता, मतलब ये वाला भी कार्बन क्या होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर ही होगा। तो इस प्रकार से इसमें दो स्टीरियोजेनिक केंद्र उपस्थित है, इस वाले उदाहरण में दो स्टीरियोजेनिक केंद्र उपस्थित है, ठीक है। तो इस कारण से मैंने इसको किस उदाहरण में ले लिया, टू स्टीरियोजेनिक केंद्र में। अब इसको मैंने अलग से क्यों बताने की कोशिश की, क्योंकि क्या है इसमें मॉलिक्यूल में आइसोमेरिज्म में थोड़ा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। क्या डिफरेंशिएशन होगा, अब इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग इसमें इसका मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, इसके सामने दर्पण रखते हैं, मिरर रखते हैं, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, C OH C C और C OH, ऊपर नीचे की तो संयोजकता समान रहेगी, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ पे OH और इधर की संयोजकता एच हो जाएगी, इधर OH हो जाएगी। अब ये मॉलिक्यूल का अगर रोटेशन करेंगे तो ये मॉलिक्यूल एच से OH की तरफ इधर घूमेगा और ये वाला मॉलिक्यूल एच से OH इधर तरफ जाएगा। इसका मतलब पूरा हमारा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, मतलब लीवो टार्टेरिक एसिड हो गया। यहाँ पे एच से OH हम लोग इधर जाएंगे, ये एच से OH इधर तरफ घूमेगा, तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा डी टार्टेरिक एसिड बन गया। इसको या फिर बोल दीजिए प्लस टार्टेरिक एसिड बोल दीजिए, एल बोल दीजिए माइनस टार्टेरिक अम्ल। और इसके अलावा भी इसमें एक फॉर्म और मिलता है, इसके कुल तीन समावयवी प्राप्त होते हैं। टोटल नंबर ऑफ टार्टेरिक एसिड के कितने आइसोमर्स है, थ्री आइसोमर्स। एक डी टार्टेरिक एसिड है, एक एल टार्टेरिक एसिड है और एक समावयवी है जिसमें क्या होता है, C OH, इसमें बगल से दिख रहे हैं C OH, फॉर्मूला सेम रहेगा, C OH H CH, सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर दीजिएगा OH और यहाँ पे C OH, इसमें मॉलिक्यूल को अगर रोटेट करते हैं तो C OH ऐसे मॉलिक्यूल घूमेगा, ये एच से OH मॉलिक्यूल ऐसे घूमेगा। तो यहाँ पे देखिए एक फ्रेम का फॉर्मेशन हो गया जिससे आधा मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है और आधा मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब किसी मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में आधा मॉलिक्यूल क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रहा है और आधा मॉलिक्यूल एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है, तो बीच में प्लेन डेवलप हो जाता है जिसके कारण से मॉलिक्यूल क्या होता है, आपस में इंटरनल कंपल्शन शो करता है, इंटरनल कंपल्शन शो करता है, जिसके कारण से मॉलिक्यूल क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाता है और ये समावयवी मीजो समावयवी कहलाता है, मीजो आइसोमर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीजो आइसोमर, ठीक है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर का क्या है, मिरर इमेज बना रहा है, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब बना रहा है। एक पहला पूरा समावयवी डी टार्टेरिक अम्ल का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और दूसरा उदाहरण क्या है, एल टार्टेरिक अम्ल या लीवो टार्टेरिक अम्ल का उदाहरण है, और जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर है वो मीजो टार्टेरिक अम्ल का उदाहरण होगा। और इसका अगर मिरर इमेज ड्रॉ करते हैं, इसका मिरर इमेज आप बना के देखिए, तो C OH CH इधर आ जाएगा, H इधर C OH आपका होगा, COH, है ना, HCOH इधर मॉलिक्यूल घूमेगा, HCOH मॉलिक्यूल इधर घूमेगा। तो इसमें भी क्या होगा, आधा प्लेन क्या होगा मॉलिक्यूल, ये मीजो का ही पेयर ड्रॉ हो रहा है, तो थर्ड एंड फोर्थ ये मीजो आइसोमर्स का फॉर्म ही होगा, ठीक है, मीजो
मीजो आइसोमर्स बोल दीजिए या मीजो टार्टरिक टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो तीन समावयी टार्टरिक अम्ल की टूल स्टेरिक केंद्र का उदाहरण है टार्टरिक अम्ल। इसके तीन समावयी प्राप्त होते हैं। पहला समावयी डी डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो टार्टरिक अम्ल होता है, और दूसरा समावयी लीवो टार्टरिक अम्ल होता है, और तीसरा जो समावयी है मीजो टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। और एक अन्य और टार्टरिक अम्ल का उदाहरण प्रस्तुत होता है जिसको हम लोग रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। आइसो नंबर ऑफ आइसोमर्स में हम लोग सब डिटेल लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे डेक्स्ट्रो डेक्स्ट्रो टार्टरिक एसिड, इसका डिटेल लिखेंगे। फिर सेकंड लीवो टार्टरिक एसिड, फिर थर्ड लिखेंगे मीजो मीजो टार्टरिक एसिड, और जो फोर्थ वाला बनाएंगे तो उसको बोलोगे रेसमिक रेसमिक मिक्सचर रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर ऑफ ऑफ टार्टरिक टार्टरिक एसिड, ठीक है। तीन मुख्य इसके आइसोमर्स हो गए, और थर्ड वाला भी हम लोग इसको नाम जानते हैं कि वो रेसमिक मिक्सचर होता है। रेसमिक मिक्सचर में डी टार्टरिक एसिड और एल टार्टरिक एसिड दोनों का मिश्रण होता है। मतलब डी उसी उसी में डी डी भी प्रेजेंट होगा, एल भी प्रेजेंट होगा, एक ही मॉलिक्यूल में नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल के मिक्सचर होंगे जो कि रेसमिक मिक्सचर के फॉर्म में मिलेंगे। इनका हम लोग डिटेल अपने अपने कॉपी नोटबुक में लिख लेंगे, ठीक है। डिटेल में क्या लिखेंगे, जो मॉडल फर्स्ट है हमारे स्ट्रक्चर नंबर जो फर्स्ट है ये किसका उदाहरण है, डेक्स्ट्रो टार्टरिक अम्ल का उदाहरण है। इसमें हम लोग बताएंगे कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो अम्ल के जो जो समतल ध्रुवीय प्रकाश की गो है वो तल के दाएं दिशा की तरफ घूमना प्रदर्शित करने के कारण हमारा जो समावयी है वो लीवो सॉरी डेक्स्ट्रो टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है। दक्षिण दाएं दिशा में घुमाने पर प्राप्त होते हैं, और दोनों कार्बन असममित कार्बन होते हैं। दोनों कार्बन परमाणु क्या होंगे, असममित कार्बन परमाणु होते हैं, और जिसके कारण से हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव हो जाता है। और ये पहला फॉर्म क्या होगा, डेक्स्ट्रो टार्टरिक अम्ल के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। इसलिए कार्बन परमाणु का घूर्णन क्या होता है, पूर्णतः क्या होगा, घड़ी की दिशा में प्रदर्शित होता है। अब जब दूसरा जो जो संरचना आइसोमर का सेकेंड जो फॉर्म प्राप्त हुआ है वो लीवो लीवो आइसोमर होगा, जो घड़ी की दिशा में वामावर्ती घूर्णन को प्रदर्शित करता है, और पूर्णतः मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, दो स्टीरियोजेनिक केंद्र को प्रदर्शित करेगा। इनके इस डिटेल में हम लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। आप इनको कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, और पूर्णतः वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। पूरा मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और घड़ी